नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सुरेखा सिंह। मैं आज जा रही हूँ आपके साथ आलू पराठा का रेसिपी शेयर करने के लिए। आप मेरा मेथड देखिएगा आपको कैसा लगा, और भी इससे सिंपल तरीके में अगर आपको चाहिएगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर मेरा मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच। ये आलू पराठा का सामग्री है। ये लहसुन क्रश किया हुआ, अदरक क्रश किया हुआ, मिर्ची क्रश किया हुआ, धनिया कट किए हुए, और ये एक बड़ा सा कांदा काट बारीक पीसेस में कट किए हुए, और ये अजवाइन है, और ये चार आलू। पहले हम लोग उसका डो तैयार कर लें आलू पराठा के लिए। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ले लिया है, 1 बाउल आटा ले रही हूँ, 1.5 बाउल ले रही हूँ, 1/2 बाउल तेल डालेंगे मोयन के लिए, 1/2 साल्ट, नमक जरा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम लोग गूंद लेंगे। ये डो रेडी है, इसको थोड़ा हम लोग पानी लगा के और मुलायम कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मार लेंगे। आटा रेडी हो गया, अब थोड़ा सा इसमें तेल ले लेंगे थोड़ा चिकना करने के लिए। इतना सॉफ्ट डो होना चाहिए। पराठे का फिलिंग रेडी करेंगे हम लोग। लहसुन, अदरक, मिर्ची, आलू को मैश कर लेंगे। इसमें हम लोग धनिया डालेंगे, फिर कांदा और अजवाइन के साथ थोड़ा सा सूखा मसाला भी डाल लेंगे, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला,
एक चम्मच चाट मसाला, वन टीस्पून चाट मसाला। अब इन सबको मिक्स कर देंगे हम लोग। नमक हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ना नमक के कांदे को गलाने लगेगा तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। एक टीस्पून नमक, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब इनको मिक्स कर लीजिए। ये हमारा फिलिंग अब रेडी है। ये लोई काट लिया हम लोग ने एक पराठे के लिए। इसको ऐसे टिक्की बना लेंगे। थोड़ा सूखे आटे में इसको डिप करके ऐसे इसको फैलाएं, जगह बनाएंगे इसके लिए। ये अच्छी तरीके से फिल करेंगे इसके अंदर, जैसे आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा भरा हुआ चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भर सकते हो। आपको कम भरना है तो आपको टिक्की भी छोटी लेनी होगी और फिर आप कम भरिए, नहीं तो फिर आटे का लेयर मोटा हो जाएगा। अब इसको ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर लेकर आइए, इसको नीचे दबाइए। मसाले को नीचे दबाते जाइए, इसको ऊपर लेके। जो ऊपर का एक्स्ट्रा उसको निकाल के रख दीजिए, फिर ऐसे स्प्रेड कर लीजिए। इसमें सूखा आटा थोड़ा लगा लीजिए। पहले हाथ से इसको अच्छे से फैला लीजिए, जितना आप फैला सकते हो हाथ से। फिर हम लोग इसको चकले से बेलेंगे, बेलन से इसको बेलेंगे। और हल्के, एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि ये फूटे ना, साइड से क्रैक्स ना आवे। हमारा तवा अब गर्म हो चुका है, हम इसको तवे पे डाल देंगे। एक मिनट तक सेकेंगे हम लोग एक साइड पे। अब दूसरा साइड इतना पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट साइड का। अभी ये पक गया है एक साइड, दोनों साइड से। अब इस पे हम लोग आपको बटर चाहिए तो बटर डालिए, घी चाहिए तो घी। मैं तो बटर डाल रही हूँ क्योंकि आलू पराठा मीन्स बटर एकदम भर भर के चाहिए उसके अंदर। छह
अच्छे से एकदम बटर लीक होना चाहिए सब जगह से। इसको अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के पकाइए, क्रिस्पी कर लीजिए इसको अच्छे से। अब इसको वापस पलट देंगे, देखिए एकदम कैसा क्रिस्पी हो गया। प्लेट में निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा मेरे पास चीज पड़ा हुआ है, मैं ये भी इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ, एक वाले एक ऐसा बना रही हूँ मैं। पनीर है थोड़ा सा बचा हुआ, इतना ही पनीर है, ये भी इसमें ही डाल रही हूँ। अब इसको हम लोग धीरे से उठा के अब इसको ऐसे स्क्वीज करेंगे, कवर करेंगे इसको हम लोग। इसको भी सेम आटे सूखे आटे में मिक्स करेंगे और पहले हाथ से जितना स्प्रेड होता है उतना कर लेंगे। ये चीज़ वाला पक गया, अब इसको बटर लगा रहे हैं। देखिए आलू पराठा अब रेडी है, ये देखिए एकदम अच्छे से फिलिंग एकदम अंदर तक इसका स्प्रेड हो चुका है। और ये जो मैंने पनीर और चीज़ वाला बनाया था वो, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा चीज़ ये होने की वजह से ये थोड़ा टूट गया, ये देखिए लास्ट तक एकदम फिलिंग है इसका। और अभी खाने के लिए रेडी है, या आप सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ खा सकते हैं या तो गरम गरम चाय के साथ। चलिए एंजॉय करते हैं आलू पराठा। थैंक यू, आप लोग भी बनाइए और देखिए कैसा लग रहा है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।